तो खबरी लोग की तरह आखी इंडिया को खबर देने आ रहे लिए न्यूज़पेपर। हाँ समझ गए, उनको बुलाओ उनको, कपिल और श्वेता। बजा ताली। राजू श्रीवास्तव आए? हाँ बुलाना ही पड़ेगा, हमसे तो हो नहीं रही अब। ये अखबार वाला भी इतना लेट हो जाता है, मैं कितनी बार कहा है जब तक अखबार नहीं आता मैं टॉयलेट नहीं जाता हूँ। ये बात ये नहीं पढ़ने की बात नहीं, कमोड गंदा रहता तो बिछा के। कभी कभी तो उठता हूँ मेरे इधर छपे होते एक्टर कई। ओफो मेरा अखबार किधर है? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, एक तो मेरी बीवी बड़ी कमीनी झूठी, एक नंबर की झूठी है। मेरे को कहती मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सिखाने, ऊपर जाके वो पड़ोसियों के बबलू की पप्पियाँ ले रही होती है। इतना गुस्सा आता है मेरे को जब मैं मांगता हूँ पप्पी तो बबलू मुकर जाता है। बच्चा है ना, मूडी क्या करे, छोटा सा बच्चा है। ओ भगवान, ओ साला, इधर हो जा, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। भगवान बेड़ा गर्क हो इसका, जब देखो तो मुझे फेंक कर ही मारता है। भगवान जो गंदा कपड़ा मंगवाया था जूते साफ करने के लिए, रहने दे, अखबार आ गई इसी से कर लेता हूँ। ओए पढ़ने की चीज से जूते साफ करेगा, शर्म नहीं आएगी? जिसमें शर्म वाली कौन सी बात है, मैंने तो अखबार लवाई इसलिए क्योंकि बूट पॉलिश महंगी हो गई है। शुक्र कर मैं तो जूते साफ कर रहा हूँ। मेरे पिताजी थे जो, वो तो अखबार में कच्चे लपेट के लेके जाते थे। कहते लोगों को लगता है सस्ती चीज है, कच्चे चोरी नहीं होते। मैंने कहा कच्चे तो चोरी नहीं होते जब पजामा उतारते पिछवाड़े से, दिल्ली से भोपाल तक की खबरें छप जाती उसका क्या। तुम लोग अखबार से ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हो, न्यूज़ में तुम लोगों की कोई इंटरेस्ट नहीं है? है ना, मैं राशि पढ़ता हूँ हमेशा। कल पंडित ने एक तुम्हारी अखबार में लिखा था, राशि वाला कॉलम आता ना, उसमें लिखा था कि हरे कपड़े का इस्तेमाल करो घर पे शांति रहेगी। मेरे को समझ में ना आया भी हरे कपड़े का इस्तेमाल कैसे करूं, फिर मैंने उसका बंबू बना के बीवी के मुंह में ठूस दिया, ऐसी शांति हुई घर में पूछो मत। तुम लोग सर राशि पढ़ते हो, खबर नहीं पढ़ते? खबरें होती क्या है तुम्हारी, एक डेट के अलावा और चेंज क्या होता है? 1947 से एक ही खबर छप रही है, संसद में विपक्ष का हंगामा, मानव रहित फाटक से चार बकरियां कटके मरी, चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, पति ने ली सुख की सांस, और तो तुम्हारा पेज 3 खोलो वही पुरानी खबरें, दारू पी के अर्चना ने जैकी श्रॉफ के साथ किया झगड़ा। कहती तुम्हारा अंधी सुधा तेल किसी काम नहीं आया, मेरे घुटनों में अभी तक दर्द हो रहा है। वो तुम निकाल वो रंगीन पेज निकाल जिसमें फोटो छपी रहती है, उसमें मेरे को पराठे लपेट के लेके जाने हैं। हाँ ये क्यों? अरे यार वो तू समझती नहीं, ये देख हॉट हीरोइन की फोटो छपी रहती ना, जैसे ये अपना मल्लिका शरावत, उसमें पराठे लपेटे तो गर्म रहते हैं। अगर मुझे पढ़ना नहीं था तो मुझे लगवाया क्यों था? इससे अच्छा है कि मैं किसी गरीब के घर में चली जाती, वहां का बच्चा मुझे पढ़ता, थोड़ी नॉलेज मिलती, बड़ा होकर ऑफिसर बनता। मैं तेरे यहाँ नहीं रहने वाली, ठीक है? मैं जा रही हूँ किसी गरीब के घर। आ जा, दबाओ। पहले तो जितने भी सब कमिश्नर लगे सब अखबार पढ़ के ही लगे हैं। गरीबों के घर में जा रही, उसको पता नहीं आजकल गरीब खेतों में लोटा लेके नहीं जाते, पेपर लेके जाते हैं। अच्छे बाप रे, एक पेज तो इधर ही छूट गया इसका, क्या लिखी खबर इसमें। एक तो खबरें बड़ी अजीब जीब आ रही हैं। लो जी खबर छपी है, लड़की भाग गई घर से। एक तो आजकल पता नहीं लड़कियों को हो क्या गया, इतनी फिटनेस कॉन्शियस होंगी घर से भाग जाती है। एक हमारे जमाने में लड़कियां होती थी इतनी शरीफ, लड़का लड़की देखने जाता था इतनी शर्माती थी, शर्माते शर्माते नाखून चाप जाती थी। मेरी बीवी तो इतनी शर्माई मुझे देख के, जब मैं गया शर्माते शर्माते आधी चोटी चबा गई अपनी। और तो और सुहागरात में घूंघट नहीं उठाने दिया, कहती जिंदगी भर साथ निभाने की बात हुई थी, गंदी हरकत का कोई सौदा नहीं हुआ था। आप देखो भाग्यवान, अरे यो डार्लिंग किधर मर गई हो तुम, ये देखो क्या क्या खबरें आ रही पेपर में। पेपर नहीं पढ़ा तूने, अपने इलाके की एक लड़की भाग गई है। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, माँ बाप भी बच्चों के लिए टाइम निकालते नहीं, बच्चे तो भागेंगे। अरे बेखबर बाप, ये अपनी बेटी की खबर है, अपनी बेटी भाग गई। क्या अपनी बेटी भाग गई? ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या मौत पड़ी, माँ बाप के लिए इज्जत ही नहीं, टाइम ही नहीं उनके पास। अरे ये सोचो अब करना क्या है। करना क्या है, मैं सरकार से कंप्लेंट करूंगा, हर मोहल्ले में ऑटो लगाए जाएं, बच्चियां पैदल भाग रही हैं। और वैसे भी ऑटो में भागने का जो मजा है, अर्चना आपको तो नहीं पता होगा, परमीत तो आपको मर्सिडीज में लेके भागा था, एसी मर्सिडीज। एक्चुअली क्या है कि जब अपने पास पंच कम हो जज की खुल के तारीफ करो। मुझे यकीन। अरे क्या बकवास कर रहा है, बेटी की फिक्र है कि नहीं है? बेटी एक मेरी बात बताए, सच में ये खबर सही है? इस बार भी अगर तूने झूठी खबर दी तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे तू मेरा मुंह क्या तोड़ेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बात करता है, तू अकेला बाप नहीं है उसका क्या?
मेरा मतलब है मैं भी उसकी माँ हूँ। तू ज्यादा चलाक मत बन, मेरे को पहले से शक था वो मेरी बेटी है नहीं, मेरी बेटी तो भागती नहीं, वो एक भी हरकत नहीं मिलती उसकी मेरे साथ। मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, वो स्कर्ट पहनती है। मेरे मूछे हैं, उसके एक भी बाल नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, पुलिस वालों को फोन कर कि बच्ची भाग गई है, वापिस नहीं आनी चाहिए। क्या बेवकूफ आदमी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, ओ देखिए मेरी बेटी भाग गई। क्या निशानी बताऊं? ओ अरे ओ वो निशानी मांग रहे हैं बच्ची की। काहे की निशानी करते हो? पुलिस वालों को जल्दी पड़ी रहती है, अभी सुबह तो भागी है, वापस आएगी तो निशानी लेकर ही आएगी। बेड़ा घर को तेरा। जी क्या कह रहे हो? हैं मैं वहां पर्सनली आऊं कंप्लेंट लिखवाने के लिए? ए फोन दे, पर्सनली आऊं फोन लेने, तेरे तो है ही नहीं। हेलो देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी नहीं आ सकती, वो आएगी तो जिसकी पहले थी उसने पहचान ली, मेरी तो बीवी भी हाथ से जाएगी। आप एक काम करें, बेटी रहने दो, कोई अच्छा सा बेटा ढूंढ दो। हाँ चल ठीक है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हैं बेटा ढूंढ दो, यहाँ मेरी बेटी भाग गई, पता नहीं वो किस हालत में होगी। एंजॉय कर रही होगी क्या, भाग गई। सुन मेरी बात सुन, मैं तो कहता हूँ अच्छा है भाग गई तो, कल को उसकी शादी करते लाखों का दहेज देना पड़ता, गोली मार भाग गई तो ठीक है। अच्छा जब अपनी बेटी की बारी आई तो लाखों का दहेज, और जब अपनी शादी थी तो वो फाड़ फाड़ के दहेज मांग रहे थे। क्या दहेज दिया तेरे बाप ने कमीने ने। लड़के वालों की तो होता ही, मुंह से कहना ही होता है कि हमें लड़की दो कपड़ों में चाहिए, इतना कमबख्त सच में दो कपड़ों में भेज दी। पता कितनी वल्गर लग रही थी तू शादी वाले दिन। फोटोग्राफर ने दो एल्बम बनाई, एक हमें दे दी, एक अपने लिए रख ली उसने। अरे कैसा बेशरम बाप है, बेटी के भागने में भी दो एल्बम याद आ रहे हैं, ये नहीं कि बेटी के बारे में सोचे। देख मेरी भाग्यवान, चिंता मत कर, कुछ नहीं सोचना बेटी के बारे में, अपना टाइम खराब चल रहा है। अच्छा। एक तो बेटी भाग गई, ऊपर से बाप को भी किसी ने 57575 पे मैसेज नहीं किया। ऊपर से पिछले एक्ट में माँ बाप को 9-9 मिल रहे हैं, ऊपर से ठाकुर चाचा भी एलिमिनेट हो गए। मैं तो कहता हूँ ये जो हम लोग 10-10 नंबर लेते रहे, हमें नजर लगी किसी की। आपसे हाथ जोड़े 10 मत देना, दोनों मिलके भी चाहे 11 दे दो, लेकिन 10 मत देना। बोले तो पहले अर्चु भाई स्कोर ही दे दे बस क्या। थैंक यू सो मच मैम। इस एक्ट में इनफ मटेरियल था, इनफ मसाला था कि जो ये 10 मेरिट करे, एंड कॉमेडी सर्कस के ग्रैंड फिनाले में आई थिंक 100% एंट्री मिल गई है। थैंक यू सो मच। अब बोलेंगे सोहेल। सोहेल दे दो, ले लो पलटो। थैंक यू सर, यू ऑलवेज गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट एंड यू गाइस अप्रूव्ड इट अगेन। थैंक यू सोहेल।